घिरे इमरान, विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ तेज किया संघर्ष। पाकिस्तान के नेता बोले, अब श्रीनगर लेने की नहीं, मुजफ्फराबाद बेचने की सोचते हैं। नवाज बोले, हम मौलाना फजलुर की पार्टी के साथ। पाकिस्तान में जमीयत उलेमा ए इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीर को लेकर इमरान खान सरकार पर निशाना साधा है। पेशावर में एक कार्यक्रम में पहुंचे फजलुर ने कहा कि इमरान सरकार कश्मीर पर प्रभाव नहीं डाल सकी। भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया, लेकिन इमरान कुछ नहीं कर सके। पहले हम सोचते थे कि भारत से श्रीनगर कैसे लें, अब सोचते हैं कि मुजफ्फराबाद कैसे बचाएं। पाकिस्तान में तानाशाही चल रही है। इमरान ने अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हित की अनदेखी की। उधर मुख्य विपक्षी पार्टी PMLN के प्रमुख नवाज शरीफ ने भी इस्लामाबाद में कहा कि अब वक्त आ गया है कि फजलुर की पार्टी और PMLN मिलकर इमरान सरकार के खिलाफ सख्त एजेंडा तैयार करें। इस बारे में फजलुर और नवाज के बीच फोन पर बातचीत हुई। वहीं पाकिस्तान के पंजाब की विधानसभा में पारित तहफुज ए बुनियाद ए इस्लाम विधेयक पर विवाद हो गया है। इस विधेयक में प्रस्ताव है कि इस्लामी पुस्तकों, पैगंबर और उनके परिजनों के खिलाफ बोलने पर 5 साल तक की सजा और 2.25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग और विमेंस डेमोक्रेटिक फ्रंट का कहना है कि यह विधेयक पाकिस्तान के संविधान के खिलाफ है। शिया राजनीतिक दल MVM का कहना है कि यह विधेयक उनके कई विधायकों की गैर मौजूदगी में पारित किया गया है। इससे देश में धार्मिक सहिष्णुता और आज़ादी नहीं बचेगी। इसके निशाने पर शिया और अहमदिया समुदाय हैं। इससे पहले पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने 100 से अधिक किताबों को राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।